आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है अपने वार्ड में। मैं वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर से सभासद का प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और आप देख सकते हैं मैं घर घर जा रहा हूँ और ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि सभी लोग की मतदाता पर्ची मिली है या नहीं मिली है। कहीं कहीं ये है कि पर्ची नहीं उपलब्ध है, तो मैं मतदाता पर्ची ऑनलाइन जो है उसको उपलब्ध करा करके जनता के बीच में जा करके दे रहा हूँ, और जनता को यही वादा कर रहा हूँ कि इसी प्रकार मैं जो है निरंतर वार्ड की सेवा करूंगा। जहाँ भी समस्या उत्पन्न होगी, रवि वर्मा एक जवान पे 12 बजे रात में या जब भी जरूरत हो इसी तरह प्रकार उनके लिए उपलब्ध रहेगा, उनकी सेवा करेगा। आप वार्ड नंबर 11 की जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दे लेके उतरे हुए मैदान में? देखिए, इससे पहले जो हमारा सभासद का यहाँ पे था वो जो है निर्दल का था, और उसने यहाँ पे किसी प्रकार का काम नहीं किया। जहाँ काम किया वहाँ पे पूरी तरह बंदरबाट किया है, आधी अधूरी सड़क बनाया है और नाली जो है किसी पे बना हुआ है आधा अधूरा है, ढक्कन नहीं है, और विभिन्न समस्याएं हैं जो मैं चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से अपने जो है अपने सरकार में इस बात को उठाऊंगा, अपनी वार्ड की समस्या को अपने चेयरमैन से मैं बताऊंगा और यहाँ का पूरा विकास करूंगा। जीतने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि मैं अपने जो है अपने वार्ड को स्वच्छ रख कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदगी है और आप जानते हैं कि इस गंदगी से जो है कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद मेरा पूरा ये रहेगा कि मैं अधिक से अधिक जो है अपनी सरकार का ध्यान अपनी वार्ड की तरफ खींचूं ताकि यहाँ का विकास हो सके। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।